दोस्तों, आप भी एयरटेल सिम की कॉल डिटेल निकालना चाहते हो तो आप भी एयरटेल सिम की कॉल डिटेल निकाल सकते हो सिंपली 2 मिनट के अंदर अंदर। यदि आपकी कॉल डिटेल नहीं निकलती है तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, पर आपको 100% कहता हूं कि आप कॉल डिटेल निकाल सकते हो। दोस्तों, कॉल डिटेल निकालने के लिए सिंपली अपने मैसेंजर पर जाना होगा, जिससे आप मैसेज करते हो उस पर आपको जाना होगा और आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक मैसेज करना होगा। दोस्तों, मैसेज करने के लिए आपको किस पर करना होगा, 1 to 1 पर आपको मैसेज कर देना होगा। जैसे भी आप 1 to 1 के मैसेज करोगे तो आपके कॉल डिटेल 6 मंथ की आपके अपने फ़ोन जीमेल पर आ जाएगी। दोस्तों, कैसे आएगी यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा, अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको मैसेज लिखना होगा कैपिटल में, सभी को कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा। आपको कोई भी अक्षर स्मॉल नहीं लिखना होगा, सभी को कैपिटल में लिख लीजिए। मैं स्क्रीन पर आपको लिख दिया हूँ, आपको दिखाई ना दे तो स्क्रीन पर आपको जैसे भी लिखा हुआ ऐसे कैसे आपको लिखना होगा। दोस्तों, आप जिस भी मंथ की निकालना है उसके 3 अक्षर आपको कैपिटल में लिख देना होगा। जैसे नवंबर की निकालना तो NOV लिखना होगा, जैसे फरवरी की निकालना FEV लिखना होगा, जो भी आपको कैपिटल में लिखना होगा, जब भी आप यहाँ पर कॉल डिटेल निकाल सकते हो। दोस्तों, जिस भी मंथ की आपको निकालना उसके मंथ लगा लीजिए। जैसे मैं नवंबर की निकालना चाहता हूँ, मैं नवंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो भी कैपिटल में लिखना होगा और 3 लेटर ही लिखना होगा आपको। आप जिस भी जीमेल पर आप अपनी कॉल डिटेल भेजना चाहते हो, अपनी जो भी जीमेल यहाँ पर लगा लीजिए। आप इसे तो स्मॉल में ही आप लिख सकते हो, यदि आप कैपिटल में लिखना चाहते हो तो आप कैपिटल में लिख सकते हो। जैसे मैं अपनी जीमेल लगा लेता हूँ जिस पर मैं कॉल डिटेल निकालना चाहता हूँ, और आपको मैसेज भेज देना होगा 1 to 1 पर। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले आप देख लीजिए कि सभी कैपिटल अक्षर में लिखे गए हैं। एक जीमेल है जो आपको इस बोल अक्षरों में लिखना होगा और आपको भेज देना होगा 1 to 1 पर। आप जैसे ही अपने 1 to 1 पर भेजेगा तो आपको एक मैसेज आएगा, आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, जिसमें आपको पासवर्ड लिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, पासवर्ड आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आपको 8 अक्षरों में एक पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, उसे कॉपी कर लीजिए। मैं कॉपी कर लिया हूँ। अब जैसे अब मेरे पास जीमेल पे एक मैसेज आएगा, जिसमें PDF के रूप में आपको 6 मंथ की आपकी PDF बन के आ जाएगी। जैसे आप नवंबर के निकाले हैं तो नवंबर की आ जाएगी, अक्टूबर के निकाले तो अक्टूबर की आ जाएगी। ऐसे आप 6 मंथ की कॉल डिटेल निकाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये आ चुकी है ई बिल के नाम से, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों, आपको एक PDF दिखाई देगी, जिससे मैं आप देख सकते हो यहाँ पर एक PDF दिखाई दे रही है। ये नवंबर की कॉल डिटेल है। दोस्तों, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जिस भी आपने कॉपी किया था अभी पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पर लगाना होगा, जब भी ये PDF आपकी ओपन होगी, ऐसे ओपन नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर अपने पासवर्ड लगा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा लेता हूँ, सिंपली पासवर्ड लगाने का पेस्ट कर दीजिए या अपने कोई भी नंबर आपने वहाँ से याद करके यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, मुझे याद ही है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो और 6 मंथ की कॉल डिटेल निकाल सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करना ज़रूर होगा। दोस्तों, आप देख सकते हो ये एयरटेल सिम की कॉल डिटेल आ चुकी है। आपको एयरटेल दिखाई दे रहा होगा, जिस भी नाम से ये सिम उसका नाम आ जाएगा और जितनी बात हुई है इसको सिम पर उतनी बात आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सी कॉल डिटेल निकला के आई है। आप भी ऐसे कॉल डिटेल निकाल सकते हो, सिर्फ ये 1 महीने की है, आप ऐसे 6 मंथ के निकाल सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना हेल्पफुल रहा अपने इस वीडियो से।